चलिए आज हम लोग दूसरी सरसंख्या पढ़ते हैं, a माइनस बी की होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इसके पहले हमने पढ़ा था a प्लस b की होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। आज हम ये दूसरी सरसंख्या पढ़ेंगे, इसका सत्यापन करेंगे और इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सरसंख्या हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब बराबर घातांक के नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कूड़ा करने पे घात जुड़ती है, यहाँ पे तीन घात थी, हमने एक यहाँ कर दिया, दो यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम a से गुणा करते हैं, किससे, a से पूरे ब्रैकेट को गुणा कर देंगे, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहां पे माइनस b है, माइनस b से गुणा कर दीजिए, किसको गुणा करेंगे, इसी को, ठीक है। लिखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, a की घात तीन, एक यहां दो यहां, दोनों मिलके तीन, माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस b को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा b a स्क्वायर, यहां माइनस दोनों मिलके प्लस, और b का गुणा 2ab से करेंगे, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर प्लस b का गुणा b स्क्वायर से करेंगे, यहां माइनस है यहां प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस b की घात तीन, ठीक। माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लो, प्लस प्लस को एक साथ, आपका हो जाएगा a की क्यूब, इसको आगे ले आइए, माइनस b की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस 2ab प्लस सॉरी 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, बस जो इधर उधर छिटके थे उनको हमने इकट्ठा कर लिया, प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ, ठीक है। अब ये दोनों एक ही हैं, यहाँ दो है यहाँ एक है, दोनों में से कितना हो जाएगा, दो एक तीन, ये हो जाएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और यहाँ क्या हो जाएगा, दो एक मिलके तीन 3ab स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, a की क्यूब माइनस ऑफ b की क्यूब, इन दोनों टर्म में 3ab यहां भी है 3ab यहां भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 3ab जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, दो घात है ना, एक घात बाहर ले रहे हैं, तो दो में से एक घटाएंगे क्या होगा, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पे माइनस के साथ b बचेगा, माइनस कहाँ से आया, यहाँ प्लस है ना, इसमें हम माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, ठीक। तो क्या आ गया, a माइनस b की होल क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b,
ठीक है। तो ये सर्वसंख्या हम इस तरह से निकालते हैं। दो संख्याओं का अंतर लें, उनका घन करेंगे तो क्या आएगा, पहले की घात 3 माइनस दूसरे की घात 3 माइनस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ये भी एक सर्वसंख्या है जो ए और बी के सारे मानों के लिए संतुष्ट होती है। ए और बी का कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। आइए हम इसको करके देखते हैं, ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। इसमें रखते हैं a बराबर 2 और b बराबर 1। ये एक मान लेके हम देखते हैं कि ये समीकरण जो है आपका सर्वसंख्या संतुष्ट होता है कि नहीं। बायां पक्ष क्या है, a माइनस बी की होल क्यूब, दाहिना पक्ष a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दोनों पक्षों में हम a और b का मान रखेंगे। रखिए जरा, a बराबर क्या है 2, b बराबर 1, ये हो गया 2 ऋण 1। जहां a था वहां 2 और जहां b था वहां 1, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होगी 3। a के स्थान पे क्या रखेंगे 2, 2 की घात 3 माइनस ऑफ बी की घात, बी मतलब एक, एक की घात 3 माइनस 3 गुणे ए के स्थान पे क्या लिखें 2 और बी के स्थान पे 1 हो जाते हो, फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां ए था वहां ए बराबर 2 लिखा है, जहां जहां बी है वहां बी बराबर 1 लिखा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 2 में से 1 घटाइए क्या होगा 1 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा 8, वेरी गुड। माइनस 1 की घात 3 1 माइनस 2 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 3 दूनी 6 एकम 6, यहाँ पे 6, 1 की घात 3 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी कि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। इसी तरह से हम A और B का कोई भी मान, A बराबर कुछ भी रखिए यहां रखेंगे, B बराबर यहां भी कुछ भी रखिए, तो दोनों पक्ष हमेशा आपको ये बराबर मिलेंगे, दोनों पलड़े हमेशा आपके बराबर मिलेंगे, और इसीलिए हम इसको सर्वसंख्या भी कहते हैं, ठीक है। कुछ भी वैल्यू रखिए आप, एक हमने आपको रख के दिखा दिया। चलिए एक सवाल और लगाते हैं तो थोड़ा ये क्लियर होगा। 4b एक सवाल लगाते हैं,